तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम सुदामा। तो आज मैं आपको स्टूडियो में बताने वाला हूं कि आप एटीएम से पैसे कैसे निकाल लेंगे। बहुत से लोगों के लिए वीडियो बहुत आसान होगा, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है एटीएम से पैसे निकालने में, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एटीएम में आने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का जो लाइट चल रहा है, आप अपना एटीएम एंटर कर देना है और इसके बाद वो एटीएम होल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका चिप लगा होता है उस साइड से आपको एटीएम डालना है। यहाँ पे लिखा आएगा प्लीज वेट, ठीक है, आपको यहाँ पे वेट करने के लिए बोल रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज करने का। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पैसे निकालने हैं, तो विड्रॉल का जो ऑप्शन दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड। तो हमारा जो अकाउंट होता है सेविंग होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने सेविंग किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट एंटर करना है और इसके बाद करेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका अमाउंट होगा, यहाँ पे जो आपको बटन दिखेगा इस पर जाके अमाउंट एंटर कर देना है और इसके बाद करेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कि आप रिसिप्ट चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करिए वरना नो करिए। तो नो कर दूंगा मैं, क्योंकि इससे पेपर सेव होगा, तो मैं नो कर देता हूँ। और इसके बाद बोलेगा कि आपको अपना एटीएम का जो पिन है वो एंटर करने के लिए, प्लीज एंटर योर पिन नंबर। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपना एंटर कर देना है जो भी 4-6 डिजिट का पिन होगा। इसके बाद यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे हमने अपना एटीएम का पिन एंटर कर दिया, यहाँ पे लिखा रहा है प्लीज वेट वाइल योर ट्रांजेक्शन बीइंग प्रोसेस, ठीक है। यानी आपको इसके बाद आपका जो पैसा होगा वो कलेक्ट होगा नीचे साइड से। ये पैसा लेना आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप 10 या 20 सेकंड तक नहीं लेते हैं तो पैसा वापस चला जाता है। तो आप अपना जो अमाउंट होगा वो कलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो अमाउंट होगा वो वापस चला जाएगा आपके बैंक में, ठीक है। तो ये मेन होता है जो आपको पैसा यहाँ पे कलेक्ट करना होता है। अब इसके बाद आपको आ जाएगा कि आप ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं कैंसिल। अगर ट्रांजेक्शन आगे नहीं बढ़ाना है तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे में आपको कैंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो कैंसिल करके जो एटीएम कार्ड है उसे बैक लेना बहुत जरूरी होता है। पहले क्या होता था, आपको एटीएम जो है वो कलेक्ट करने का ऑप्शन पहले ही रहता था, उसे फ्रॉड बहुत होता था। लेकिन अब है कि आप बाद में उसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो कैंसिल करके कार्ड जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।